देख रहे हैं पीपीए 24 न्यूज। दर्शकों मैं बता दूं, आज मैं आया हूं कानपुर झकरकटी के बस अड्डे पर। सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई है कि जो बसें हैं उनका सैनिटाइजेशन होगा और साफ सफाई और क्लीनिंग रखी जाएगी, लेकिन मैं आज कानपुर की बस अड्डे को दिखा रहा हूं क्लीनिंग का माहौल क्या है और क्या नहीं। प्रबंधक से भी पूछेंगे यहां के बस अड्डे के कि क्या रीज़न है कि यहां क्लीनिंग नहीं हो रही है। कोरोना जो भारत को नहीं पूरे वर्ल्ड को डरा रहा है, जो अभी भारत में इतना फैला नहीं है, लेकिन अगर फैल सकता है क्लीनिंग या सैनिटाइजिंग नहीं होगी तो ये फैल सकता है कानपुर में भी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या कारण है कि यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। बस सफाई के लिए गाड़ी पूरी क्लीन सेफ रहती है, पीछे मशीन लगी है गाड़ी धुलने की, पूरी जितनी गाड़ियाँ अपनी हैं सब धुल के तब यहाँ पे आती हैं। अच्छा ये बताइए, जो दिल्ली में गया सैनिटाइजेशन हो रहा, हर जगह स्प्रे मारा जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है न फैले, कानपुर में ऐसा दिखा है आपको? ऐसा तो फिलहाल भी कोई दिखा नहीं बस स्टैंड के अंदर। हमारे यहाँ पीछे मशीन लगी गाड़ी धुलने वाली, वहाँ क्या बोलते हैं केमिकल जो साबुन वगैरह आता है उससे गाड़ी धो जाती है, जो स्प्रे वगैरह डालने के बाद तब गाड़ी यहाँ पे लगती है। अच्छा, यात्रियों की यहाँ पूरी सुरक्षा है, किसी प्रकार का वो नहीं है। एक मशीन सामने लगाई गई है, अभी सरकार ने ही लगाई है, यात्रियों की चेकअप वगैरह सब वहीं पे होता है। अच्छा आप बताएंगे क्या कुछ कहना बसें वगैरह जो है धुलने के लिए? नहीं, पीछे का नाम बोलते पूरी बसें धुलती हैं और उस पे का नाम बोलते स्प्रे चलता है। चलता है, हाँ स्प्रे चलता है और उस पे का नाम बोलते एक पाउडर है का नाम बोलते उससे धोया जाता है। लेकिन हमको अभी दिखा नहीं कोई पाउडर। आप पीछे का नाम बोलते जाइए, आप पीछे जाइए का नाम बोलते उसमें आप देख लीजिएगा। आज से करीब 20 साल पहले नहीं, पीछे थर्मल देखते थे, वो सब गाड़ियों में डालता है। अच्छा, उसमें पूरा काम हो रहा है का नाम बोलते बस अड्डे में। अभी वहाँ पे का नाम बोलते नया का नाम इंस्टीट्यूट खुला है का नाम बोलते उसकी पूरी जाँच होती है। अच्छा अच्छा, हाँ आप जाइए का नाम बोलता पूरा शरीर की आपकी जांच हो जाएगी। ठीक ठीक, आपको जो कोरोना का वाला चल रहा है वायरस जो चल रहा है आपको तुरंत लेने के मालूम पड़ जाएगा, तुरंत यानी कि आपको दे देंगे वो। ठीक ठीक, इस तरह से ये बस अड्डे में बसों की सफाई होती है। ये देखिए एक बंदा लगा हुआ है, वो पानी मार रहा है बस को, इस तरह से सफाई धुलाई होती है। लेकिन जहाँ तक सैनिटाइजर की बात है, हमको स्प्रे करते हुए कोई नहीं मिला। ये देखिए बसों को धोते हुए तो मिला है, लेकिन स्प्रे करते हुए बसों में अभी तक कोई नहीं मिला है। रेली बस जा रही है, कितनी साफ है, आइए अंदर चल के देखते हैं। कोरोना का भय पूरे हिंदुस्तान में फैला है, कितनी साफ है आइए देखते हैं। मैं दिखा रहा हूँ कितनी गंदगी है और कितनी साफ है। ये देखिए कुछ पैसेंजर्स हैं, उनसे बात करते हैं। कोरोना वायरस के बारे में सुना है? सुना हो सर जी, अभी देखा नहीं कुछ इसके बारे में, कुछ मालूम है इसके? मोबाइल में देखा हूँ। हाँ कैसे आपको कुछ मालूम है? नहीं सर, नहीं मालूम। मैडम मालूम है कुछ कोरोना वायरस? नहीं मालूम। देखिए मैं दिखा रहा हूँ दुनिया में कोरोना जो पूरे वर्ल्ड को डरा रहा है। यहाँ पर रायबरेली की बस में किसी यात्री को बताते हैं नहीं मालूम है। किसी को मालूम है कोरोना के बारे में? कोरोना वायरस के बारे में मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है? थैंक यू। मालूम तो है लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक, राजेश सिंह जी हैं जो प्रबंधक हैं इस झकरकटी बस अड्डे के, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के लिए क्या बोलेंगे यहाँ कोरोना ना फैले, क्योंकि दुनिया में महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। आइए बात करते हैं। जी सर जी, कोरोना ना फैले जी एडवाइजरी जारी कर दी गई है सरकार द्वारा जी, आपने क्या अरेंजमेंट किए हैं जिससे कि आपके बस अड्डे पे लोगों को कोरोना ना फैले और अवेयर रहें लोग? देखिए हमारे यहाँ जो भी हम लोगों को हमारे विभाग की तरफ से और डीएम साहब की तरफ से उनकी बैठक में जो बताया गया है, हम लोग उस सब चीज़ों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। जिन जिन साल्ट के बारे में हमको बताया गया है हम उनके माध्यम से यहाँ लगातार फॉगिंग करवा रहे हैं। दिन में 3 से 4 बार हम लगातार फॉगिंग करवा रहे हैं, फॉगिंग मशीन से करवा रहे हैं। इसके अलावा जितनी हमारी बसेज हैं वो बसेस डिपो से ही सैनिटाइज होकर के आ रही हैं। हमारे यहाँ बस अड्डे पर जो धुलाई चल रही है उस धुलाई संयंत्र में भी हम लोग सैनिटाइजेशन पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए भी वहाँ पर प्रॉपर केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं।
बस अड्डे पे हम लोग अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि वो लोग थोड़ा सा सावधानी रखें, ऐसे किसी भी व्यक्ति के आसपास न रहें जिसको इनसे संबंधित जो भी लक्षण बताए गए हैं उनके उस व्यक्ति में हो, और मास्क वगैरह का प्रयोग करते रहें। अपने कर्मचारियों को हमने मास्क प्रोवाइड कराए हैं, हाथ धोने के लिए भी लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं। बराबर हमारे यहाँ सब तरफ पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, 24 घंटे कोई हमारे पास कमी नहीं है। कोई भी यात्री कितनी भी बार हाथ धोए उसके लिए हमारे पास उपलब्धता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग इन सारी व्यवस्थाओं के एक्सपर्ट नहीं हैं, एक्सपर्ट इसका है स्वास्थ्य विभाग। मैंने अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है लिखित रूप में कि वो अपनी टीम को यहाँ पर भेजें, वो यहाँ पर व्यवस्थाएं कराने का कष्ट करें, हम लोगों को भी मार्गदर्शन दें कि हम लोग और यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, और हम लोग जो दिन भर यहाँ यात्रियों के संपर्क में रहते हैं हम लोग भी सुरक्षित रह सकें। लेकिन अभी तक वहाँ से कोई नहीं आया है, उम्मीद करते हैं जल्दी ही वो लोग आएंगे, और हम लोगों की जो भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने यहाँ कर रखी हैं उनमें और हम क्या क्या इजाफा करें उसके बारे में वो हमको मार्गदर्शन देंगे, तो हम अपने यात्रियों को वो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। तो दर्शकों, ये थे राजेश जी, जिन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी है और बताया है कि हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। कैमरामैन राम के साथ मैं राजेश मिश्रा।